वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉक्सरो प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करना और उस कैरेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करने के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, प्रोग्राम में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे इनपुट होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसका डिटेल आपको पिछले क्लास के वीडियो में मिल जाएगा, जहां पर आप उसको देख सकते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में कैसे वैल्यू इनपुट की जाती है या कैसे वो वैल्यू को स्टोर करता है, ये सब मैंने पढ़ाया है। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि आप प्रोग्राम फाइल कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, जबकि इसका डिटेल हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रोग्राम फाइल अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप फॉक्सरो के अगर कमांड विंडो का यूज करते हैं तो यहां पर आपको लिखना होता है मॉडिफाई कमांड, या फिर आप इसको शॉर्ट में मॉडिफाई का मॉडी और कमांड का कॉम भी लिख सकते हैं, चार चार लेटर दोनों। इसके बाद आप अपनी प्रोग्राम फाइल का नाम लिखेंगे। मैंने पिछली दो फाइल्स बना के बताया था P1 और P2 नाम से, तो ये फाइल का नाम मैं रख देता हूं यहां पर P3। ऐसा जरूरी नहीं है, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें नंबर होना चाहिए, कैरेक्टर भी देके फाइल का नाम बना सकते हैं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फाइल के नाम के बीच में स्पेस ना हो, यानी कि पी और थ्री के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोग्राम फाइल में कैरेक्टर वैल्यू कैसे ली जाती है या कैरेक्टर वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराया जाता है। पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के देखा था, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको लिख लेना है मॉडिफाई कमांड या मॉडिकॉम और फाइल का नाम। जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी, इस तरीके से ब्लैंक विंडो, जिसमें आपको प्रोग्राम बनाना है। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने प्रोग्राम में लिखना होता है स्टोर, उसके बाद आप लिख सकते हैं जीरो या ऐसा कोई भी नंबर जो आपको वेरिएबल में स्टोर करना है, तो स्टोर 02, जैसे हमने लिख दिया यहां पर ए बी और सी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी नाम के तीन वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे आप a इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 a में स्टोर रहता है, b इक्वल टू 3 लिखते हैं 3 b में स्टोर रहता है, और जब भी आप लिखते हैं a प्लस बी तो a और b को प्लस ना करके उसकी वैल्यू को प्लस करके वो शो करता है या उसका आउटपुट देता है। तो यहां पर a और b अपने अंदर दूसरी वैल्यू को रख रहे हैं, तो a और b क्या है, वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि ये नंबर रख रहे हैं तो इनको हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल बोलेंगे। इसकी जगह पर अगर आप किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं, देखिए वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसी ए1 ए2 कुछ भी रख सकते हैं यहां पर, बस ये है स्टार्टिंग अल्फाबेट से करें, बीच में स्पेस ना दें, यानी कि ए1 सही है चलेगा, ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं आप, लेकिन 1A बनाते हैं तो ये वेरिएबल गलत है। अब यहां पर आप अगर a में 5 स्टोर कर सकते हैं तो आप a में किसी का नाम या कोई भी कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने कंप्यूटर लिखा है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि कैरेक्टर जब भी लिखा जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तब कंप्यूटर चला जाएगा कहां पर, a में चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बताता हूं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये है क्या एक्चुअल में। तो देखिए हम एक काम करते हैं, जीरो लिखने से या कोई नंबर लिखने से तीनों वेरिएबल न्यूमेरिक बनेंगे और ये अपने अंदर केवल नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, उनमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू के लिए कई तरीके से स्टोर यूज किया जा सकता है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, बीच में चाहे तो आप स्पेस रखिए या नहीं रखेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ए बी सी वेरिएबल बन रहा है या कोई भी जिस नाम का वेरिएबल बनाना चाहे, तो ये जो वेरिएबल होगा इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर स्टोर करने का काम करेगा। कैरेक्टर में आप नंबर भी डाल सकते हैं लेकिन वो उसको कैरेक्टर के फॉर्मेट में ही लेता है,
अब अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी n इज इक्वल टू किसी भी कैरेक्टर को लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद मैंने नीचे क्वेश्चन मार्क n लिख दिया। ये केवल समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको इसका मतलब क्लियर हो जाए कि कैरेक्टर वेरिएबल क्या है। फिर मैं एक वैल्यू इनपुट करा के आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया है। देखिए प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर समझ में आ जाता है अच्छी चीज है, नहीं तो आप एक छोटा और सरल प्रोग्राम लेकर के पहले उसको समझ लें कि भाई ये काम कैसे करता है और उसके बाद आप एक बड़ा प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सीधे आपको स्कूल में सेंटेंस तो नहीं पढ़ाया जाता, पहले आपको दो या तीन लेटर के वर्ड बनाना बताया जाता है, उसके बाद तो आप सेंटेंस बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप छोटे प्रोग्राम देखिए और सिंपल प्रोग्राम जिससे आपको इसका मतलब क्लियर हो कि भाई इसमें हो क्या रहा है, क्या ये करता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद आप उसको समझ जाते हैं तो बड़े प्रोग्राम में उसको लगा करके यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैरेक्टर वेरिएबल को लेकर के। तो यहां पर स्टोर के साथ में हमने n नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब n में मैंने लिख दिया कंप्यूटर, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कंप्यूटर चला गया किसमें, n में, और उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क n, यानी कि n जो है उसको डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको मैं ये बता दूं कि n का मतलब है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर है डिस्प्ले करना, तो ये n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब होगा ये कि जब हम इतना बनाएंगे, इतना बनाते समय कुछ भी नहीं होगा, आप ये पूरा बनाएंगे, बनाने के बाद आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे जिससे ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, दो बार सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइएगा, उससे प्रोग्राम में एरर आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा। अब इतना करने के बाद और इसको सेव करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, प्रोग्राम रन कराने यानी कि चलाने के लिए आपको लिखना होता है डू, और डू के साथ फाइल का नाम लिखना होता है। तो हमने देखा था प्रोग्राम कैसे चलता है, लाइन से एक सीक्वेंस में चलेगा जैसा आपने लिखा है उसको, क्योंकि ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। तो यहां पर कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद जब बॉक्स बंद हो जाता है तो आप इसमें लिखते हैं डू, डू के साथ आप लिख देते हैं अपनी फाइल का नाम और फिर आप प्रेस करते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इस आउटपुट स्क्रीन पर आपका प्रोग्राम रन होगा। देखिए जैसा मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि प्रोग्राम कैसे रन होता है सीक्वेंस में, इस चीज को हमेशा याद रखिए। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने भाई बताया है आपको कि प्रोग्राम कैसे चलेगा सीक्वेंस में। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर अगर और लाइन लिखी है तो वो कंटिन्यू चलेंगी। तो सबसे पहली चीज यहां पर ये होगी कि प्रोग्राम में एक n नाम का वेरिएबल बनेगा, उसके बाद n की वैल्यू हो जाएगी कंप्यूटर, कंप्यूटर चला जाएगा n में, हमेशा इक्वल साइन के राइट की वैल्यू लेफ्ट में कॉपी हो जाती है। तो यहां पर देखिए राइट की वैल्यू लेफ्ट में कॉपी हो रही है और n की वैल्यू क्या हो जा रही है, n की वैल्यू हो जा रही है कंप्यूटर। अच्छा एक कॉमन सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने स्कूल में पढ़ा है कि a इज इक्वल टू 5 लिखते थे, आपने कभी 5 इज इक्वल टू a नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इक्वल साइन के राइट की वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में कॉपी किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब n की वैल्यू कंप्यूटर हो गई, उसके बाद इस लाइन का काम खत्म, अगली लाइन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क n, और क्वेश्चन मार्क मतलब मैंने आपको बताया है किसी भी चीज को डिस्प्ले करना, तो यहां पर n की वैल्यू डिस्प्ले होगी और यहां पर आ जाएगा कंप्यूटर। हालांकि इस प्रोग्राम का कोई विशेष मतलब नहीं निकला, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको चीजों को समझना होगा पहले कि वो प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्राम लाइन से चला, कैसे n वेरिएबल बना, कैसे n में कंप्यूटर स्टोर हुआ, फिर n को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम बताता हूं जिसमें हम खुद वैल्यू डालेंगे और वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, ये तो बना बना एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भाई ये कैरेक्टर वेरिएबल कर क्या रहा है। चलिए तो यहां पर हम एक बात करते हैं कि अब मैंने n नाम का वेरिएबल बनाया, अब मैं प्रोग्राम को बताऊंगा कि उसको क्या लेना है।
ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा और उस प्रोग्राम में मैं खुद डालूंगा कि भाई ए में या एन में कोई वैल्यू स्टोर करो, जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, किसी का नाम, किसी का सरनेम, और उसको वो डिस्प्ले करेगा। मतलब अब हम वैल्यू को प्रोग्राम में इनपुट कराएंगे यानी कि देंगे। तो ये कैसे होगा, देखिए हम इस लाइन को यहां से हटा देते हैं और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एन वेरिएबल बन गया है। अब हम यहां पर यूज करेंगे एक्सेप्ट। आपको शायद याद होगा तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर लिखते हैं इनपुट, फिर एक मैसेज लिखते हैं, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज हमने लिखा था, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद उसको हमने ए में डाल दिया था। तो यहां पर ये आप ध्यान रखिए कि इनपुट जब आप लगाते हैं तो इनपुट होता है न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए यानी कि नंबर लेने के लिए, और अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू को लेना होगा यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल है तो वहां पर आप यूज करेंगे एक्सेप्ट का। तो दो चीजें क्लियर कर लीजिए, अगर नंबर है तो इनपुट और अगर कैरेक्टर है तो एक्सेप्ट। मैं एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा आगे जिसमें मैं ये दोनों ही एक साथ यूज करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चीजों को अलग अलग समझिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें करना क्या है। तो एक्सेप्ट लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में, कोई भी एक मैसेज लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करके आप यहां पर लिख दीजिए वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक्सेप्ट आपने लिखा, एक्सेप्ट क्या करेगा, तो वो अब अच्छा इतना आपने लिख दिया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने n इज इक्वल टू कंप्यूटर ना लिख करके एक लाइन लगा दिया। तो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है वो आप क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रोग्रामिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप एक एक चीज का मतलब समझेंगे। आपने समझ लिया कि स्टोर यहां लिखते हैं इसलिए मैंने लिख दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्यों लिखा गया है वो समझिए। स्टोर के बाद इन्वर्टेड कॉमा इसीलिए लगाया गया है ताकि हम n में कोई भी वैल्यू अभी इनपुट नहीं करा रहे हैं, एन को हम लोग ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे पहले ही कंप्यूटर लिख दिया या कोई नाम लिख दिया तो वो एन में स्टोर हो जाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सेप्ट के एक्सेप्ट क्यों लगाया हमने, ताकि ये मैसेज स्क्रीन पर आए। तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा एंटर योर नेम। अब आपने यहां पर नाम की जगह नाम में एंटर योर नेम आया, अब 2n लिखा है तो यहां पर आप कोई भी नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कंप्यूटर, तो ये जो कंप्यूटर हमने लिखा है ये कंप्यूटर यहां से जाके स्टोर हो जाएगा n में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेप्ट का काम था इन्वर्टेड कॉमा के मैसेज को डिस्प्ले कर देना, और साथ में जो आप यहां कैरेक्टर डालोगे उस कैरेक्टर को सामने वाले वेरिएबल में ले जाकर के स्टोर कर देना, तो उसने उसमें स्टोर कर दिया कंप्यूटर। अब n की वैल्यू हो चुकी है कंप्यूटर, जबकि इसकी जगह हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया था, n इज इक्वल टू सीधे कंप्यूटर लिख दिया था, तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये होगा कि यहां पर जो मैसेज आएगा, मैसेज कौन ला रहा है, एक्सेप्ट के द्वारा, तो हम जो भी डालना चाहें, कंप्यूटर, माउस, किसी का नाम, जो भी लिखना चाहें, वो चला जाएगा किसमें, एन में। अब उसके बाद नीचे आएगा प्रोग्राम जैसा कि लाइन से चलता है, और क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, डिस्प्ले करने का काम करेगा किसको, एन को, क्योंकि एन में कंप्यूटर स्टोर है इसीलिए यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, लेकिन ये चीज मत भूलिएगा, प्रोग्राम पहले पूरा बनाएंगे, बनाने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे और डू करके आप उसका नाम लिखेंगे कमांड विंडो में और एंटर करेंगे। अब अगर मान लीजिए गलती होती है कहीं पर, यानी कि प्रोग्राम में कुछ एरर हो गया, हो सकता है, पॉसिबल है, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल लगा दिया हो, स्पेलिंग गलती कर दी हो, कॉमन सी चीज है, पहली बार जब प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी से भी ये गलती होना बहुत सामान्य चीज है, हाँ, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपसे ये गलतियां होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या तो गलती होती ही नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एरर आता है मतलब समझ जाइए कि आपने इसके फॉर्मेट में कहीं ना कहीं गलती किया है, तो उसको आप लोग प्रोग्राम जो लिखा है उसे चेक कर सकते हैं, फिर से रन कराएंगे, फिर एन की वैल्यू वेरिएबल बनेगा, फिर आपसे पूछेगा एंटर योर नेम, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे इस बार आपने मान लीजिए यहां पर कोई नाम लिख दिया, ठीक है, तो यहां पर आपने एक नाम लिखा,
अब ये जो नाम है ये नाम कहां स्टोर हो जाएगा, तो ये चला जाएगा एन में, और उसके बाद एन को डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, नाम आकर के डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को जितनी बार भी रन कराना चाहें, बनाना एक बार है मॉडिकॉम करके, जितनी बार रन कराना चाहें आप उसको डू करके रन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुधार करना हो तो उसके लिए भी मॉडिकॉम कमांड का ही यूज होता है फाइल नाम के साथ। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं जहां पर आपको कैरेक्टर और नंबर दोनों वेरिएबल एक साथ यूज करेंगे, तो ताकि आपका कंफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत हो कि कहां कैरेक्टर लगना है कहां न्यूमेरिक, तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा स्टोर इन्वर्टेड कॉमा टू एन। अब मैं इसी के नीचे ही लिख देता हूं स्टोर जीरो टू, यहां पर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सेप्ट क्या करेगा, एंटर योर नेम का मैसेज दिखाएगा। फिर अब मेरे को सेकंड क्या लेना है, मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम में एंटर योर नेम पूछे और उसके बाद एंटर योर एज पूछे। तो अब यहां पर नेम तो कैरेक्टर है, तो मैंने नेम के लिए कौन सा वेरिएबल ले लिया, एन, जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल होगा, और उसके बाद एज जो है वो क्या है, वो तो नंबर है, तो उसके लिए मैंने जीरो करके वेरिएबल बनाया। जीरो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जीरो है ये इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मान है। अब हमको करना क्या है कि हमको यहां पर सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, एंटर योर नेम। तो आप ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे किससे, एक्सेप्ट से। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू लेनी है तो मैसेज के सामने एक्सेप्ट लगाना है, और जब कोई नंबर वाली वैल्यू लेनी होगी तो आपको मैसेज के सामने इनपुट लगाना है। तो यहां पर एक्सेप्ट करके हमने लिख दिया एंटर योर नेम, इससे स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर योर नेम का, और टू एन। एन क्यों, क्योंकि हमने यहां पर कैरेक्टर के लिए एन वेरिएबल रखा है, तो इससे ये जो नाम है ये नाम चला जाएगा किसमें, एन में चला जाएगा, और इनपुट में हम फिर लिख देंगे एंटर योर एज, और जो एज हम लोग लिखेंगे वो एज जो भी हम लोग लिखना चाहें यहां पर, वो एज किसमें चली जाएगी, वो चली जाएगी ए में चली जाएगी। ठीक है, अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि एन में चला गया नाम और ए में चली गई एज। अब फिर से एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, मैंने यहां पर कैरेक्टर वेरिएबल बनाया एन कैरेक्टर लेने के लिए, और मैंने एक न्यूमेरिक वेरिएबल बनाया ए। तो जब भी मैं कैरेक्टर वेरिएबल यूज करूंगा तो सामने एक्सेप्ट लगाना है, और जब भी न्यूमेरिक वेरिएबल यूज करेंगे तो सामने आपको इनपुट लगाना है। लेकिन अभी इस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ना तो एन को डिस्प्ले कराया है और ना ही ए को। तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क करके लिख देंगे एन, और फिर हम क्वेश्चन मार्क करके लिख देंगे ए। तो इससे होगा क्या, अब इस प्रोग्राम को आप पूरा बना लेंगे, बनाने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे और डू करके रन कराएंगे, बीच में आउटपुट नहीं आता है, पूरा बनाने के बाद सेव करना है कंट्रोल डब्ल्यू और फिर डू करके रन कराना है। फिर मैं बोलूंगा अगर डू करके रन कराने पर कहीं पर एरर आता है, कोई लाइन सेलेक्ट करके दिखाता है वो, तो आप ढूंढिए कि उस लाइन पे क्या गलती किया है आपने, कुछ छोड़ दिया है, कॉमा नहीं लगाया है, डबल इनवर्टेड कॉमा यूज नहीं किया है आपने, टू की स्पेलिंग गलत है, कुछ ना कुछ गलती आपके में होगी, तब वो एरर शो करता है। तो हमको एरर भी देखना है कि एरर कहां पर आ सकता है, क्योंकि अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, सर मैंने तो प्रोग्राम वैसे ही बनाया लेकिन एरर आ गया। तो एरर इसीलिए आता है जहां पर आप कुछ गलती करते हैं, तो हमको उस गलती को भी ढूंढना है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रन कराते हैं, दो वेरिएबल बना, मॉडिफाई डू करके रन कराए, एन में नाम गया, ए में एज गई, एन को डिस्प्ले करेगा जो नाम लिखा हुआ है वो, और फिर एज को डिस्प्ले करेगा, तो ये दोनों चीजें प्रोग्राम में डिस्प्ले हो जाएंगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर रन कराना है तो आप डू करके उसको दोबारा से रन करा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि सर मेरा नाम सीधे सीधे यहां पर आ गया, मैं चाहता हूं कि यहां लिखा हुआ है माई नेम इज और फिर मेरा नाम यहां लिखा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां क्वेश्चन मार्क के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में माई नेम इज लिखिए
और फिर n लिखिए और इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगा दीजिए। ठीक ऐसे ही आप यहां पर माई एज इज और फिर a लिखिए और दोनों को अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे माई नेम इज माई एज इज करके मैसेज भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप जब भी रन कराएं तो एक बार कंट्रोल W से सेव कर लें और उसके बाद फिर आप उसको यहाँ पर डू करके रन करा के देखें। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू के लिए हमने क्या यूज किया और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमने क्या यूज किया। ठीक है, एक्सेप्ट कैरेक्टर के लिए और इनपुट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को या किसी मैसेज को कितने प्रकार से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमने एक सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज किया है, इसके अलावा आप एक डबल क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं और इनपुट एक्सेप्ट के थ्रू मैसेज आ ही रहा है। बस मैं आपको ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल और डबल क्वेश्चन मार्क में डिफरेंस केवल इतना ही होता है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, एक छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको यही बता दूं, बहुत छोटा सा है, उसके लिए अगली क्लास की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ पे डबल सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाया तो मैसेज देखिए क्या होता है, एक के नीचे एक आता है। यहीं पर अगर आप डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो मैसेज क्या होता है, एक के सामने एक, मतलब ये आया माई नेम इज और उसके बाद सामने माई एज इज करके मैसेज आ जाएगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क लाइन को चेंज नहीं करता है। सिंगल क्वेश्चन मार्क न्यू लाइन पर आएगा, डबल क्वेश्चन मार्क उसी लाइन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के और टॉपिक्स बताऊंगा प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और आगे के टॉपिक्स जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, लूपिंग क्या है, ब्रांचिंग क्या है, ये सब चीजों के बारे में। धन्यवाद।